हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे को न्यू ब्लॉग में, जिसका नाम है दीपक ठाकुर ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर का, जो कि दिल्ली का प्रसिद्ध एवं विशाल मंदिर है। सो गाइस, आज की वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ मंदिर, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मंदिर से जुड़ी हुई, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट, यहीं से हमें मंदिर के अंदर जाना होता है। मंदिर के बाहर ही आपको पार्किंग की सेवा भी उपलब्ध हो जाती है, जहां पर किराया 10 रुपए चार्ज किया जाता है। मंदिर के बाहर आपको जूते चप्पल रखने की सुविधा भी मिल जाती है। मंदिर के अंदर आपको खाटू श्याम बाबा के लिए केक ले जाना वर्जित है। चलिए गाइस, सब चलते हैं मंदिर के अंदर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। गाइस, ये है प्रवेश द्वार, जो कि चरण चिन्ह से स्टार्ट होता है। तो गाइस, ये जो आप प्रवेश द्वार पे चरण चिन्ह देख रहे हैं, ये 2021 किलो के अष्ट धातुओं से निर्मित है। मंदिर के अंदर आपको लाइन में खाटू श्याम भगवान के लिए प्रसाद भी मिल जाता है, जहां आपको खाटू श्याम भगवान के लिए प्रसाद और उनका निशान मिल जाता है। यहां पर आपको प्रसाद में 50, 100, 200 रुपए तक प्रसाद मिल जाता है। जो भक्त खाटू श्याम भगवान के लिए मेवे का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर प्रसाद अवेलेबल है। दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में भी आपको भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। मंदिर के अंदर आपको भक्तों के लिए बैठने की और खाने पीने की अच्छी खासी सुविधा की गई है। सो गाइज, अब बात करते हैं आपको मंदिर में कब आना चाहिए। सो गाइज, वैसे तो रोज ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, पर खास तौर पर एकादशी और संडे को यहाँ पर विशेष तौर पर भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। गाइज, यहाँ पर भक्त नारियल और मौली बांधकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं आप मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो गाइज,
वैसे तो आप मेट्रो, बस, ऑटो या रेल किसी भी द्वारा आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सो गाइस, नियर बाय मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी पड़ता है। आप वहां पर आकर किसी भी ऑटो, टैक्सी या बैटरी रिक्शा द्वारा यहां पर पहुंच सकते हैं, जो कि 50 रुपये पर सवारी लेते हैं। बाबा दे रहा है ट्रक भर के, आप ले जाओ मन भर के, ऐसे ही नारे के साथ इस मंदिर में 2 ट्रकों को स्थापित किया गया है, जिस पर बाबा श्याम का नाम लिखा गया है। जय श्री श्याम। वैसे तो खाटू श्याम भगवान के करोड़ों लाखों में भक्त है, पर खाटू श्याम भगवान के मंदिर हर भक्त नहीं जा पाता। इसी कारण दिल्ली में खाटू श्याम मंदिर का निर्माण किया गया, जिससे खाटू श्याम भगवान का आशीर्वाद हर भक्त को मिल सके। गाइस, यहाँ पर भी राजस्थान के खाटू श्याम बाबा के मंदिर की तरह ही भीड़ देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लाइन कितनी लंबी लगी हुई है भक्तों की। ये जो ऊपर लाइन जा रही है, ये है वीआईपी लोगों की लाइन। गाइज, यहाँ पर आप खाटू श्याम मंदिर में काफी सुंदर सुंदर झांकियों का नजारा देख सकते हैं। मंदिर में आपको गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित देखने को मिल जाएगी। ये है बाबा का नीला घोड़ा। सो गाइज, इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद अब बारी आती है खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने की, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ दर्शन है। गाइस, आप भी कर सकते हैं दर्शन और मांग सकते हैं मनोकामनाएं अपनी और पा सकते हैं भगवान का आशीर्वाद। बाबा के बराबर में ही आपको हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। मंदिर में आपको भक्तों द्वारा बनाए गए ईंटों का मकान देखने को मिल जाता है। कहते हैं यहाँ पर ईंटों का मकान बनाने से अपना घर का सपना पूरा होता है। यहाँ पर आपको बच्चों की कार एंड बाइक राइड भी मिल जाएगी, जो कि 30 रुपये पर सवारी होती है। पर भी आपको पालकी की सुविधा मिल जाती है, जिसका चार्ज 10 रुपये होता है। खाटू श्याम मंदिर में काफी सारी दुकानें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको खाटू श्याम जी का निशान, फ्लावर और यहाँ पर आपको मूर्तियाँ वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो, आपको सारा सामान मिल जाता है। यहाँ मंदिर में व्रत वालों के लिए स्पेशल व्रत की चाट का स्टॉल भी लगाया गया है।
मंदिर में आपको नंदी जी भी मिल जाते हैं, जहाँ पर उनके कान में कोई भी अपनी मनोकामना हो बोल के वो पूरा करवा सकते हैं। नंदी के सामने ही आपको भगवान शंकर की शिवलिंग के दर्शन भी हो जाते हैं। गाइज ये है शाम चौपाटी, जहाँ पर आपको भक्तों के लिए बैठने की सुविधा भी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको कैमल की राइड भी देखने को मिल जाती है, जिसका किराया 30 रुपए पर राउंड होता है। तो गाइज मंदिर में आपको ये जो ग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, ये ग्राउंड खाटू श्याम बाबा के लिए जागरण और उनके प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पर काफी सारे भक्तों की संख्या यहाँ मंदिर में आ सके इसके लिए काफी बड़े ग्राउंड का निर्माण भी किया जा रहा है। मंदिर में आपको दुर्गा जी का दरबार देखने को भी मिल जाता है, जहाँ पर माता अपने 9 रूपों के साथ शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान और हनुमान जी के साथ विराजमान है। यहीं आपको राम दरबार देखने को भी मिल जाता है। खाटू श्याम दिल्ली धाम 36 धाम के नाम से भी जाना जाता है और इसे 8वां अजूबा भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। मंदिर में आपको एक एयरपोर्ट रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जिसका निर्माण किया जा रहा है और ये जल्द ही शुरू होगा। एयरपोर्ट रेस्टोरेंट की तरह ही यहाँ पर रेलवे जंक्शन रेस्टोरेंट भी खुला जा रहा है, जिसका निर्माण भी किया जा रहा है और ये जल्द ही भक्तों के लिए चालू कर दिया जाएगा। मंदिर में ही यहाँ पर एक वैदिक गुरुकुल भी बनाया गया है, जो कि इस प्रकार दिखता है। मंदिर में एक स्वर्ग द्वार भी बनाया गया है, जिसकी शुरुआत सिग्नेचर ब्रिज द्वारा होती है। स्वर्गद्वार में आपको एक तरफ समुद्र मंथन का दृश्य भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक तरफ असुर, दूसरी तरफ देवता समुद्र मंथन करते हुए दिख जाएंगे और यहाँ पर बीच में शंकर भगवान की एक प्यारी सी मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर में आपको दिल्ली छे के नाम से काफी सारे स्टॉल खाने पीने के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने की हर वैरायटी देखने को मिल जाएगी, जो कि भक्तों के लिए काफी अच्छी सुविधा की गई है। We'll be right back.
मंदिर में गौशाला का निर्माण भी किया गया है, जहां पर कई सारी गायों की देखरेख भी की जाती है। यहां आकर भक्त गौशाला की परिक्रमा भी लगाते हैं। मंदिर में वृंदावन की तरह ही गोवर्धन पर्वत का भी निर्माण किया गया है, जहां पर कृष्ण भगवान का गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दृश्य दिखा रखा है। सो गाइस, अब बात करते हैं मंदिर की टाइमिंग की। मंदिर 7ों दिन खुला रहता है और ये सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की तरफ से विकलांग और बुजुर्गों के लिए ऐसी कार की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जो कि फ्री होती है। मंदिर में भक्तों के लिए मेडिकल का एक विभाग भी बनाया गया है। गाइस, ये जो आप घंटा देख रहे हैं, ये अष्ट धातुओं से निर्मित 80 किलो का दिल्ली का पहला घंटा है। मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ देर के लिए भक्त भगवान के सामने बैठकर यहाँ पर प्रार्थना भी करते हैं। यह है राम भगवान का सुंदर सा दरबार, जिसमें माँ सीता, राम भगवान, लक्ष्मण और हनुमान सहित विराजमान है। सो गाइस, आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर कर देना, जिससे मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेके बाबा का नाम, जय श्री श्याम।